तो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का हेयर किस टाइप का है। हम लोग स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर से ही देखिए कितना खतरनाक तरीके से हम लोग हेयर एडिटिंग किए हुए हैं, ठीक ना। ब्रश बिल्कुल मतलब ब्रश आप लोग पहले चलाते, लेकिन आप लोग को टेक्सचर लगाना है हेयर में, जो कि आप लोग को सही तरीके से टेक्सचर लगाकर आप लोग को इस तरह का हेयर एडिटिंग करना है, ठीक ना। तो आप लोग इस टाइप का हेयर एडिटिंग कैसे किया जाए आप लोग को सारा कुछ बताने वाला हूँ अभी। तो हम लोग देखिए अपने फोटो स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर से बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से एडिटिंग करेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके के हेयर एडिटिंग बनाएंगे, ठीक है ना। वो भी कहाँ से बनाएंगे, बस आप लोगों को यहाँ पर ब्रश वाला टूल पर ही आकर के आप लोगों को सारा कुछ करना है, ठीक है। आप लोग स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में जब भी आते होंगे तो बहुत सारे आप लोगों को ब्रश और पेंसिल मिल जाते होंगे, लेकिन आप लोगों को उसका यूज अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक ना। देखिए आप लोग यहाँ पेंसिल मिल जाएगा, इधर नीचे के साइड में भी यहाँ पर देखिए ये सब पेंसिल है, ब्रश है, सब दोनों एक में ही है, ठीक ना। तो आप लोगों को इसमें से कौन सा लेकर के कौन सा अच्छे से पेंसिल ब्रश लेकर आप लोग को अच्छे से एडिटिंग करना है, वो चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। कौन सा ब्रश लेना है, कौन सा पेंसिल लेना है, ठीक ना। तो आप लोग को वही चीज़ बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी बिल्कुल मेरे तरह हेयर एडिटिंग कर सके, मेरे से भी अच्छे से हेयर एडिटिंग कर सके, ठीक है। तो आप लोग को वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप लोग को सबसे पहले आर्टिस्ट पर आ जाना रहेगा, ठीक ना। आर्टिस्ट पर आप लोग जैसे ही आएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए हेयर हेयर नाम का देखिए आप लोग को ब्रश मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसी वाला ब्रश को ले लेना है और इसका फॉलो इस तरह देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। एडवांसड का भी सेटिंग आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से रखना है, ठीक ना। तो कुछ इसी तरीके से रहेगा। तो आप लोग को देखिए सबसे पहले ब्रश को चला, तो हम लोगों को अपने हेयर में यहाँ पर देखिए हम लोग को अच्छे से मिलाएंगे अपने हेयर को, ठीक ना। अभी देखिए मिलाने पर हम लोग का हेयर किस टाइप का हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को देखिए अच्छे से मिलाना है हेयर को, मतलब जैसे जैसे हम लोग हेयर में हेयर है ना, बस उसी पैटर्न में ब्रश को चला करके अच्छे से मिलाना है, ताकि जब हम लोग हेयर में टेक्सचर लगाना है तो अच्छे तरीके से हम लोग का हेयर में टेक्सचर बने। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप लोग चलाइएगा, ताकि आप लोग का हेयर जो है बिल्कुल अच्छे से बने, ठीक ना। बिल्कुल अच्छे से आप लोग को सबसे पहले ब्रश को ही चलाना है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कैसे कैसे करना है, फिर आप लोग जाके अपने फ़ोटो पर अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल ख़तरनाक वाला आप लोगों का हेयर एडिटिंग हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए ब्रश वाला सेटिंग पर जैसे आइएगा तो आप लोग यहाँ से ब्रश के फॉलो को हम लोग कम कर लेंगे, ठीक ना। वो कम करके देखिए कुछ इस तरीके से चलेंगे। आप लोग को यही चीज़ अच्छे से सीखना है, ये नहीं कि एक तो परफेक्ट मतलब सेटिंग बना लिए और उसी सेटिंग पर हर जगह चला रहे हैं, ठीक नहीं ना। उस तरीके से नहीं करना है। इस जगह में से फॉलो को क्यों कम किया हूँ आप लोग को देखिए रीज़न दिखा देता हूँ, ठीक ना। ये देखिए इस कारण के लिए, देखिए ये जो दिख रहा है आप लोगों ना हल्का सा पतला पतला जो दिख रहा है ना, इस कारण के लिए चलाएँ, ताकि जब हम लोग टेक्सचर लगाए ना तो सही तरीके से बने। तो यहाँ सब थोड़ा साइज को बड़ा कर लेंगे और कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग हेयर एडिटिंग सीखे, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे सकूँ, ताकि आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग करना सीख सके। मेरे जितने भी भाई लोग हैं बिल्कुल अच्छे से हेयर एडिटिंग करना सीखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आता है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम जान सकूँ और आप लोगों को प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, हम लोग चला लीजिए अपने हेयर में अच्छे से ब्रश को चला लिए, ठीक ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को अच्छे से टेक्सचर लगाना है अपने हेयर में। यही चीज़ अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग कर पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए टेक्सचर कैसे और किस तरीके से लगाना है। तो हम लोग देखिए ब्रश टूल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा देख रहे होंगे कि आप लोग इससे मतलब बताए आप लोग इस वाला टूल से, ठीक ना, इस वाला टूल से आप लोग हेयर एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। आप लोग देखिए हम लोग इससे हम लोग हेयर एडिटिंग करेंगे, ठीक ना। इस वाले जो भी है पेंसिल है ब्रश है जो भी है कुछ भी है, ठीक ना। इससे हम लोग हमारा हेयर में टेक्सचर लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल न्यू तरीका बताऊंगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट एडिटिंग सीखिए, एकदम ट्रेंडिंग, ठीक ना। तो आप लोग देखिए क्या करना है, इस वाले ब्रश को इस वाले पेंसिल को लेने के बाद सेटिंग पाना है, फिर आप लोग बेसिक है सेटिंग, तो आप लोग कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग एडवांसड पाना है, ठीक ना। एडवांसड पा जाने के बाद ये जो फॉलो विथ हैवी प्रेशर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कुछ इस तरीके से सेटिंग बनाएंगे इसका, ठीक ना। और फॉल साइज विथ लाइट प्रेशर है, इसका भी हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे कुछ इस तरीके से, 1.5 करेंगे हम लोग, ठीक ना। 1 कितना कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ऊपर वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, 1.5 कर लेंगे, 1.5। देखिए इतना हो गया। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए बीच में हम लोग का लाइनिंग थोड़ा सा लो कलर का दिख रहा है, और इधर देखिए हाई कलर का दिख रहा है, जो साइड साइड में है वो हाई कलर का दिख रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे देखिए लो कलर दिख रहा है, ये देखिए लो कलर है, ये लो कलर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये हाई कलर थोड़ा हल्का सा दिख रहा है। आप लोग देखिए दोनों को इक्वल कैसे करना है। अब अगर अभी आप लोग चलाएंगे तो आप लोग को अभी अच्छे से हेयर एडिटिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फॉलो विद हैवी प्रेशर लिखा हुआ, देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक ना, इस जगह पर।
आप लोग इस जगह पर फिर देखिएगा कि इस तरीके से हम लोगों का अभी हाई हाई मतलब हाई कलर आने वाला है। ये तो स्कैल्पिंग हो गया, देखिए फॉलो विथ हैवी प्रोसेस, देखिएगा अभी देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर देखिए कुछ इसी तरीके से करना रहेगा आप लोगों को। अब परफेक्ट बना लेना रहेगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक ना। अब बनाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, हेयर में हम लोग बिल्कुल सही तरीके से टेक्सचर लगाएंगे अब, ठीक ना। देखिए कुछ इधर इधर के साइड से हम लोग अच्छे से टेक्सचर लगा लेते हैं, बिल्कुल रियल सेटिंग बताऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल मेरे तरह हेयर एडिटिंग कर पाइए, ठीक ना। क्योंकि आप ही लोग के लिए बिल्कुल सही चीज़ देता सेटिंग देता हूँ। अगर आप लोग अगर बिना सेटिंग के ब्रश उठा करके चलाते ना, तो आप लोग का इस टाइप का हेयर एडिटिंग कभी नहीं होता, ठीक ना। क्योंकि आप लोग देखिए बिल्कुल नया चीज़ सिखाता हूँ, हमेशा नया चीज़ बताता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे बिल्कुल लेटेस्ट एडिटिंग का, ठीक ना। बिल्कुल देखिए अच्छे तरीके से आप लोग को सेटिंग बताया ताकि आप लोग बिल्कुल मेरे तरह हेयर एडिटिंग कर सके। आप लोग मेरे फोटो में देखते होंगे बिल्कुल हाई क्वालिटी का, ठीक ना, बिल्कुल हाई क्वालिटी का मतलब हेयर लगता है बिल्कुल रियल, मतलब फुल शार्पनेस के साथ मेरा हेयर आप लोगों को दिखता होगा, फुल HD हाई क्वालिटी मतलब, ठीक ना। एकदम HD मतलब हेयर दिखता होगा, एकदम मतलब क्लीन दिखता होगा, ठीक ना। तो यही कारण है कि मैं अच्छे से सेटिंग बना करके करता हूँ, जिससे कि मेरा हेयर जो है बिल्कुल अच्छा लगता है, ठीक ना। तो आप लोग भी आप लोगों को भी बताता हूँ कि ताकि आप लोग भी अच्छे से सेटिंग बना करके अपना हेयर एडिटिंग कीजिए, ठीक ना। बिल्कुल आप लोग देखिए सही तरीके से एकदम टेक्सचर लगाना है, आप लोगों को हाथ अच्छे से चलना चाहिए हेयर में, ताकि आप लोगों का जो हेयर जो है अच्छे से एडिट हो सके, ठीक ना। बिल्कुल फुल शार्पनिंग के साथ भी आप लोगों का आप लोगों का एकदम फुल HD हाई क्वालिटी का एडिटिंग कब होगा, जब आप लोग अच्छे से सीखिएगा, ठीक ना। जब आप लोग अच्छे से एडिटिंग जब आप लोग अच्छे से हेयर में मतलब पेंसिल चलाना जब सीखिएगा और सही सेटिंग बनाना जब जान जाएगा, तो आप लोग का भी एकदम फुल HD हाई क्वालिटी का हेयर एडिटिंग होगा, ठीक ना। अगर आप लोग को बिलीव ना हो तो आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक ना। तो बिल्कुल अगर आप लोग बेसिक का सेटिंग उठा कर देखिएगा, एक बार मेरा सेटिंग उठा करके देखिएगा, ठीक ना। एक बार बेसिक का सेटिंग बनाएंगे आप लोग, उससे हेयर एडिटिंग कीजिएगा, फॉलो और स्ट्रेंथ को कम बेसिक करके आप लोग उसका उससे एडिटिंग कीजिएगा, एक बार मेरे सेटिंग से एडिटिंग कीजिएगा और फिर देखिएगा आप लोगों को इसमें तो बिल्कुल फुल HD हाई क्वालिटी मिलता है, ठीक ना। आप लोग एक बार चेक कर भी लीजिएगा, ठीक, देखिएगा आप लोगों को इसमें हाई क्वालिटी मिलता है। इसीलिए आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हाई क्वालिटी का हेयर एडिटिंग फुल HD में कर पाइए। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा टेक्सचर लगा लेंगे हेयर में, ठीक ना। बिल्कुल अच्छे से आप लोग टेक्सचर लगेंगे, ताकि आप लोग का भी हेयर जो है जितना अच्छे से आप लोग टेक्सचर लगेंगे ना, आप लोगों का उतना ही फुल HD हाई क्वालिटी का हेयर एडिटिंग होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक ना। आज हम बिल्कुल खतरनाक तरीके से सीखे, क्योंकि एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइप का एडिटिंग, और आप भी सीखिए और अच्छे से इस टाइप का हेयर एडिटिंग कीजिए, ठीक ना। एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोग भी एकदम अच्छे से हेयर एडिटिंग सीखिए, ताकि आप लोग का भी फोटो वायरल हो सके और आप लोग का भी मतलब आप लोग हर भी मतलब जितना अच्छे से कीजिएगा, आप लोगों का फोटो वायरल होने का चांस रहेगा, ठीक ना। एकदम अच्छे से आप लोग हेयर में टेक्स्ट लगा के आप लोग अपना हेयर एडिटिंग कीजिए, प्रॉब्लम आता है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ, आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर सकें।